बजाज पल्सर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बाइक है। पल्सर 150, पल्सर 180 और पल्सर 220 जैसी बाइक्स ने इंडिया में स्पोर्ट्स बाइकिंग कल्चर को बढ़ाया है और अब पल्सर NS और RS जैसी न्यू मॉडल्स भी मार्केट में आ चुकी हैं। पल्सर NS और RS की सक्सेस और मार्केट की डिमांड को देखते हुए बजाज अब एक बिल्कुल नई पल्सर मार्केट में लाने की तैयारी में लग गया है। इस नई बाइक का नाम होगा पल्सर 250। इस बाइक की डिजाइनिंग शुरू हो गई है। अभी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पल्सर 250 2020 तक मार्केट में लॉन्च होगी। ये नई पल्सर ड्यूक 250 पर बेस्ड होगी। इसमें वही 248.8 सीसी का इंजन लगेगा जो ड्यूक 250 में है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पल्सर 250 भी एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक होगी। इस बाइक में TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, साथ ही इसमें स्लीपर क्लच और डुअल चैनल ABS जैसे फीचर्स होंगे। इस बाइक के इंजन को ज़्यादा माइलेज देने के लिए ट्यून किया जा रहा है, यानी कि ये बाइक ड्यूक 250 से काफ़ी अच्छा माइलेज देगी। इस बाइक के इंजन में ट्रिपल स्पार्क और DTSI टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जिसकी वजह से ये बाइक बहुत ही स्पोर्टी परफॉर्मेंस देगी। इस नई पल्सर 250 को NS200 और डोमिनर 400 के बीच के गैप को फिल करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में पावरफुल बट प्रैक्टिकल बाइक्स की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में बजाज को नंबर वन इन टर्म्स ऑफ सेल्स की पोजिशन पर बने रहने के लिए एक ज़्यादा पावरफुल पल्सर की ज़रूरत है। पल्सर 250 की प्राइस लगभग 1,40,000 रुपये होगी। ये नई पल्सर यामाहा FZ25, KTM ड्यूक 250 और अपकमिंग सुजुकी जिक्सर 250 को कंपटीशन देगी। आने वाले टाइम में जैसे ही पल्सर 250 के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली रिलीज होगी तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग बाइक रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। राइड सेफ टू राइड अगेन। Thanks for watching.